मैं हर सैटरडे को कोशिश करता हूँ कि कोई एक अच्छी एक्टिविटी करूँ। तो आजकल मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ से तकरीबन कोई यूँ कह लें कि 25 से 30 मिनट की बाइक राइड के ऊपर शाह अल्लाह दत्ता है। शाह अल्लाह दत्ता के अंदर एक बहुत खूबसूरत केव है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और उस केव के साथ थोड़ा सा ऊपर जाके एक रिज़ॉर्ट है जहाँ पर आप हॉर्स राइड कर सकते हो। तो मैं वहाँ जाके हॉर्स राइडिंग करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको शाह अल्लाह दत्ता का थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन एक लोग ना आज भी जिंदा हैं, ये बेचारा एक मज़दूर आदमी है, ये यहाँ पे खुद ही रोड रिपेयर कर रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, खड्डे में उनकी बाइकें और गाड़ियाँ ख़राब ना हो। कमाल है यार। ये जो हम जा रहे हैं ना, ये शाह अल्लाह दत्ता की तरफ जा रहे हैं, और वो बिल्कुल जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो हैं असल में शाह अल्लाह दत्ता की केव्स। और ये जितना भी यहाँ पर पानी पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली कोई बारिश का या कोई सावरेज का पानी नहीं है, ये आबशार का पानी है जो बहता बहता रोड के ऊपर रोज़ाना आ जाता है, बिकॉज इतना पानी वहाँ से माशाल्लाह पहाड़ से निकल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक रोकूंगा शाह अल्लाह दत्ता पे, और फिर आपको शाह अल्लाह दत्ता की केव्स दिखाऊंगा, मशहूर केव्स। माशाल्लाह, क्या नाम है बाबा आपका? अताउल्ला नियाजी। आपको कभी यहाँ पे देखा नहीं पहले? सर वो इतने शाह ने मंगाया सी के पार्क दे विच आ जा, पहले चिड़िया घर होता सी। अच्छा, ये जिंदा है? हाँ जी। तंग नहीं करता आपको? ना ना, तंग ही। कितने साल का होगा ये? ये होगा 6.5 माह। छोटे है अभी? जी जी, बच्चे। तो आप इसको कब छोड़ोगे? सर बच्चियां नहीं रखे, रोटी वास ली रोजी हो। हाथ लगा लूँ उसको? लगाओ लगाओ। ओए होए होए होए, माशाल्लाह। तो ये वो डर के मारता नहीं है? शुक्रिया बाबा जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये है शाह अल्लाह दत्ता, और यहाँ पे जो केव्स हैं वो बहुत मशहूर हैं शाह अल्लाह दत्ता की, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने एक शाह अल्लाह दत्ता की केव्स हैं, यहाँ पे बाबा साधु बैठते थे, और वो सामने वहाँ पे शाह अल्लाह दत्ता की केव्स हैं। ओके, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा प्योर पानी यहाँ से आता है पहाड़ के नीचे से, अल्लाह जानता है कब से आ रहा है, कब तक आएगा। और ये देखो, ये इस तरह यहाँ पे चलता रहता है। सामने इन्होंने वहाँ पे एक टैंक बनाया हुआ है, और उस टैंक के अंदर पानी को स्टोर करते हैं, वहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं, वो सामने टैंक है, और फिर वहाँ से पानी आगे निकलता है। जिस केव्स की मैं बात कर रहा था वो खूबसूरत केव्स ये हैं, माशाल्लाह। कहते हैं बहुत साल पहले क्या म्यूज़िक आ रहा है पीछे यहाँ एक साधु बाबा होते थे, और वो यहाँ तपस्या करते थे। वेरी ओल्ड प्लेस, तुझे देखा तो ये जाना सनम। हाँ, ये भी ठीक है। आओ टैंक दिखाते हैं, टैंक की हालत ऑब्वियसली थोड़ी बुरी होगी कंपैरेटिवली, बिकॉज कौम तो हम पाकिस्तानी हैं। नीचे बोतल शोतल शायद आपको नज़र आए अंदर मुझे आ रही हैं, लेकिन पानी बहुत क्लीन है, प्योर वाटर, माशाल्लाह। अब यहाँ से जो अगला डिसीजन है वो ये कि मैं शाह अल्लाह दत्ता से जाऊँगा ऊपर लाविस्ता कैफ़े, और लाविस्ता कैफ़े जाने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकूंगा हॉर्स राइडिंग के लिए। आज ज़्यादा हॉर्स राइडिंग नहीं करूँगा क्योंकि आज जो मेरा हॉर्स है वो अवेलेबल नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि आपका हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने हॉर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आप उस पर्टिकुलर जो हॉर्स राइडिंग है उसको इन्जॉय नहीं कर सकते। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे जब मैं हॉर्स राइड कर रहा हूँगा, तो बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। ये है एक छोटा सा रिज़ॉर्ट, और ये शानदार व्यू है। सामने हॉर्स राइडिंग क्लब है, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये पूरा रिज़ॉर्ट है यहाँ पर। तो ये जो हॉर्स देख रहे हो ना आप, ये ब्लैक वाला,
ये असल में जो यहाँ का ऑनर है वो यूज़ करता है नेज़ाबाजी के लिए, उसको नेज़ाबाजी का शौक़ है, और फिर पार्ट टाइम वो यहाँ पे आप आके इसकी राइडिंग वगैरह कर सकते हो। तो अभी देखो मैं इस पर चढ़ रहा हूँ, यहीं से इसने मस्ती शुरू कर दी है। ये फर्स्ट टाइम इस हॉर्स को राइड कर रहा हूँ और मेरा ओरिजिनली इस हॉर्स के साथ कोई भी कनेक्शन है ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या इंस्ट्रक्शन समझ में आती हैं, कब तेज़ चलना है, कब स्लो चलना है, कहाँ इसने स्टॉप लेना है एंड ऑल दिस। और उसकी वजह से अभी आप इस राइड में फील भी करोगे कि मुझे बहुत जेन्युइन इश्यूज फेस होंगे, ये अपनी मर्ज़ी की राइड कर रहा होगा और अपनी मर्ज़ी से जो है वो तेज़ हो रहा होगा, अपनी मर्ज़ी से जो है वो रुक रहा होगा। मैंने इसको काफ़ी कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन एक दफ़ा मैं इस पर से उतर गया, मेरे ऑब्वियसली कंट्रोल से बाहर था ये। उसके बाद फिर दोबारा से 15-20 मिनट बाद मैंने ट्राई की, उसके बाद फिर थोड़ा सा राइड में मैंने इन्जॉय किया। तो अगर वो लोग जो मुझे देख रहे हो ये सोच रहे हैं कि मैं इतना स्लो स्लो घोड़ा क्यों चला रहा हूँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई घोड़ा नया लो ख़ास तौर पे, तो सबसे पहले आप उसके साथ वॉक करो। जब वॉक करके आपका घोड़ा रीजनेबली आपकी आपके साथ सिंक हो जाए, तो फिर आप उसके बाद ट्रॉट करो उसके साथ, और जब आप ट्रॉट कर लो उसके साथ, फिर आप फाइनली जो है वो आप कैंटर की तरफ मूव हो जाओ। तो मैंने भी ये तीन बेसिक स्टेप्स के अंदर राइडिंग सीखी है, इतना कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बहुत हल्की सी आती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जल्दबाजी में कोई डायरेक्ट कैंटर की तरफ ना चला जाऊँ या डायरेक्ट ट्रॉट ना करना शुरू कर दूँ। उससे होगा ये कि जिस तरह अभी ये घोड़ा बेकाबू हो रहा है, इस तरीके से घोड़ा जो है वो बेकाबू हो जाता है और आप उसकी जो एक राइड है, मज़े की राइड है, वो इन्जॉय नहीं कर पाते। आई होप आप लोगों को ये जगह थोड़ी अच्छी लगी होगी हॉर्स राइडिंग की। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ इससे भी ऊपर, इस जगह, इस कैफ़े का नाम है लावेस्ता कैफ़े। इस पर मैं बैठूंगा नहीं, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ से व्यू, और फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे जो एक नया रेस्टोरेंट खुला है वो देखने। ये जो जगह है इसका नाम है लावेस्ता कैफ़े, इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट कोई 25-30 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। सामने जो दिख रहा है ना सारा इस्लामाबाद है। आप कभी चित्राल और कैलाश गए हो ना, तो इस किस्म के रोड और इस किस्म की गलियाँ देखने को मिलती हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड कि इस्लामाबाद से 25-30 मिनट की भी अगर आप ड्राइव करते हो और मरगला के अंदर जाते हो, तो आपको सेम रोड और सेम पहाड़ियाँ और सेम वैसे व्यूज़ नज़र आते हैं। तो अब मैं जाता हूँ और आपको वो रेस्टोरेंट दिखाता हूँ जिसकी मैंने बात की थी। एक शानदार रेस्टोरेंट आप लोगों को आज दिखाता हूँ, इसका नाम है मरगला रेस्टोरेंट। इसकी लोकेशन थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए देखो ये इसके पीछे का व्यू है, सामने का व्यू थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगा कि सामने का व्यू कैसा है। अभी आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ इस रेस्टोरेंट के। तो यार अगर आप इस्लामाबाद में हो और E11 से जा रहे हो, E11 इज़ अ वेरी कॉमन ब्लॉक ऑफ इस्लामाबाद, तो यहाँ से आपने D12 की तरफ जाना है। ये जो आपका इलाका है इसको D12 कहते हैं, दिस इज़ D12। D12 से फिर आप सीधा सीधा शाहलादत्ता की तरफ जाओगे। शाहलादत्ता जब आप सीधा सीधा क्रॉस करोगे, ऑरेंज इसलिए क्योंकि रोड की सिचुएशन इतनी कोई खास अच्छी नहीं है और यहाँ पे पानी पड़ा होता है, इसलिए रेड हुआ है, माना ट्रैफिक का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये शाहलादत्ता केव्स हैं, और शाहलादत्ता केव से फिर आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो लावेस्ता कैफ़े इस तरफ सामने आएगा, और इसके बिल्कुल अपोजिट में जो है वह मरगला हिल टॉप रेस्टोरेंट। ये जी इसका सामने से व्यू, पूरा इस्लामाबाद शहर यहाँ से नज़र आता है। ये सामने जिधर कॉमनली हम लोग आते हैं लावेस्ता कैफ़े, लाजवाब। अब मैं आप लोगों को ना इसका ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, रूफ टॉप। ये तो नीचे वाला रेस्टोरेंट है, सर्दी ज़्यादा हो तो आप नीचे बैठ सकते हो। ये आ गई जी रूफ टॉप, माशाल्लाह। कमाल की जगह यार, इसको कहते हैं जंगल में मंगल। अच्छा इस रेस्टोरेंट में क्योंकि मैं पहुंचा हूँ उस शाम के टाइम के ऊपर, तो मैंने प्रॉपर खाना तो नहीं खाया, लेकिन स्नैक्स लिए थे। तो मैंने पकोड़े ऑर्डर किए थे, चिकन पकोड़े। आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा था कि क्योंकि ये बहुत ऊपर है, अच्छा खाना नहीं होगा, शेफ अच्छे नहीं होंगे, बट ट्रस्ट मी, इनका खाना जो मैंने ऑर्डर किया था वो बहुत ज़बरदस्त था। मैंने चाय और ये पकोड़े ऑर्डर किए थे, इट वाज़ रियली गुड। तो मेरे हिसाब से अगर मैं नंबर देने पे आऊँ तो 10 out of 10। वैल्यू ऑफ मनी भी अच्छी है, और जो व्यूज़ हैं, मतलब ये बैठे बैठे रात हो गई थी, तो जब मैं बाहर आया हूँ तो उफ़,
लेवल का व्यू था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहाज़ के ऊपर हूँ और नीचे सामने जो है वो ज़मीन देख रहा हूँ। इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर चांद इतना खूबसूरत लग रहा था, कैमरा ऑब्वियसली जस्टिस नहीं कर रहा, बट आई कैन टेल यू बहुत खूबसूरत जगह है। एक दफ़ा आपने ज़रूर 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 इस जगह पे आना है, डिनर करना है, लंच करना है, लेकिन लाजमी आना है। ये देखो सामने चांद। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।